छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राजीव भवन रायपुर में पत्रकार वार्ता लेकर कहा कि एग्जिट पोल भ्रामक है, इसलिए कांग्रेस इन नतीजों को खारिज करती है। दीपक बैज ने पत्रकार वार्ता में कहा कि 1 जून के देश के टीवी चैनलों में दिखाए गए एग्जिट पोल नहीं है बल्कि मोदी पोल है। इंडिया गठबंधन को 295 से ज्यादा सीटें मिलेगी। 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तो देश में कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और छत्तीसगढ़ में हमसे बेहतर स्थिति में रहेंगे। जिस व्यक्ति को 4 जून को एग्जिट होना तय है उसने यह एग्जिट पोल मैनेज करवाया है। आप लोगों को सबको पता है कि मतदान समाप्ति होने के पश्चात कल पूरे देश में मतगणना होना है और देश का रिजल्ट भी आना है। जिस तरह से सभी मीडिया चैनलों में कि एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, ये एग्जिट पोल नहीं बल्कि ये मोदी पोल है। इसलिए इंडिया गठबंधन को इस समय पूरी देश में 295 से ज्यादा सीटें मिलेगी। एग्जिट पोल के नतीजे निश्चित रूप से भ्रामक है, कांग्रेस इन नतीजों को खारिज करती है। 4 जून को जब एग्जिट नतीजे आएंगे तब देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और छत्तीसगढ़ में हम भारतीय जनता पार्टी से बेहतर स्थिति में रहेंगे। जिस व्यक्ति का 4 जून को एग्जिट होना तय है उसने यह एग्जिट पोल मैनेज करवाए हैं। इंडिया गठबंधन को कम से कम 295 से अधिक सीटें मिलेगी, बिल्कुल स्पष्ट और निर्णायक बहुमत है। निवर्तमान प्रधानमंत्री सिर्फ आज तक निश्चिंत रह सकते हैं। इस प्रकार का दुष्प्रचार होगा इसका अनुमान पहले से ही था। मतगणना के बाद चुनाव परिणाम आने पर साफ हो जाएगा कि जनता का जनादेश पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ में है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया है। देश में कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और छत्तीसगढ़ में हम भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीतेंगे। एग्जिट पोल की भाजपाई खुशमहपी 2 दिनों की है। 4 जून को रिजल्ट आने पर स्पष्ट हो जाएगा देश में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल के नगाड़े फूट जाएंगे। क्या है, देखिए, गृह मंत्री को नए गृह मंत्री हैं और मीडिया में बने रहने का उनको शौक हो गया है और किसी भी तरह मीडिया में आना है, नंबर एक। नंबर दो, गृह मंत्री जी बार बार बस्तर जा रहे, जगदलपुर ही जा रहे, जगदलपुर से आगे बढ़ नहीं रहे। मैंने तो उनको निमंत्रण दिया था, भाई पीढ़िया चलो मेरे साथ, अभी तक कहां या नहीं भी नहीं बोले, स्वीकार कर लेना चाहिए। अब उन्होंने आदिवासी समाज पीढ़िया मामले पे आदिवासी समाज जांच किया, कांग्रेस की कमेटी ने जांच की है, वहां के ग्रामीण कह रहे नहीं, मतलब ये गृह मंत्री जो बोले वही सही है और बाकी सब बोले गलत है, इसलिए मैंने कहा वहां तक निमंत्रण दे देना चाहिए। तो इसलिए अगर गृह मंत्री जगदलपुर से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, वो जगदलपुर में जाके अभी सुना हो, शायद मैं अभी नया सुना हो कुछ, क्या बोलना चाहिए उसको, सुझाव मांग रहे थे ना अभी, हाँ वो गूगल का भी और पुनर्वास नीति पे सुझाव अभी फार्म के माध्यम से मांग रहे हैं, शायद जगदलपुर में बैठ के वहीं से फार्म के माध्यम से फार्म बंटवा रहे, बंद कमरे में बैठकर फार्म बंटवा रहे और बोल रहे कि इसमें सुझाव दो। शायद अगर गृह मंत्री जी को बीजापुर में पीडिया में बैठ के अगर सुझाव मांगते हो सके ज्यादा अच्छा मिल जाता, और शाम बैठ के अगर सुझाव मांगते तो ज्यादा अच्छा मिल जाता। गृह मंत्री शहर के एक 5-स्टार होटल में बैठकर बंद कमरे में एसी कमरे में बैठकर सुझाव मांगेंगे तो मैं समझता हूं तो एक मीडिया में बने रहने का उनका
इंस्टेंट है, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। गृह मंत्री को तो कहा जाए तो उनको कोई गंभीरता से ले भी नहीं रहा है। वो दिन को क्या बोलेंगे, रात को क्या बोलेंगे, कल सवेरे क्या बोलेंगे, खुद को उनको पता नहीं रहता है, इसलिए उस पर मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। बिल्कुल हमारे सभी कार्यकर्ता कल जब मतगणना स्थल जाएंगे पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, पूरी तैयारी हो गई है कांग्रेस पार्टी की। 17C फॉर्म जो मतदान के पश्चात एजेंटों को दिया जाता है वो फॉर्म लेके जाएंगे, दस्तखत का भी मिलान करेंगे और वहां पे वोटिंग का भी, कितना बूथ में कितना वोट, टोटल वोट कितना था और कितना वोट वोटिंग हुआ है, ये दोनों चीज का मिलान बारीकी से करेंगे। हम लोगों ने निर्देशित जारी किया है ताकि इन छोटी छोटी सावधानियों को हमारे बूथ एजेंट और हमारे तमाम बड़े नेता बारीकी से देखेंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न कर सके।